तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का पोस्टर की एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बन रही हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जी फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लेगा, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देख। तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा ओपन PLP फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, ऊपर की तरफ आपको 3 ऑप्शन होंगे, तो इसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बाबा साहेब पोस्टर 11 PLP करके, तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पर एक फ़ोटो आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इस फोटो पर टाइप करके इसको सबसे पहले डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद गाइस आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इनपुट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इनपुट पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद तो देख सकते हो गाइस कि मैं इसी फोटो को फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और करने के बाद गाइस आपको इस फोटो को यहीं पर रोटेट कर लेना है, और इस सही वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको फोटो को ऐड कर लेना है। और यहाँ पर देखोगे एक बड़ा सा कोला दिखेगा, तो इस पर आपको टाइप करके फोटो को छोटा बड़ा रख सकते हो, तो आप जितना रखना चाहते हो रख सकते हो। और यहाँ पर सेट होने के बाद गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू बैक, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने नाम भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से नाम इस पर डबल टाइप करके यहाँ से आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो तो इस मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन पर डबल टाइप करके यहाँ से आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।